फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा जो वर्टिकल फीचर है H2F220, ठीक है, इसके आप कैसे डेमो देंगे और कैसे इसका ट्रैवल शूटिंग करेंगे, फील्ड में कैसे इसका कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, या इसका काम पार्ट्स वगैरह या इसका जो डिसमेंटलिंग है कैसे आप इसका रैक वगैरह खोलेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट, ये हमारा वर्टिकल फीचर है, ये टोटली फॉस्ट्री फ्रीज है, डिफ्रीजर है टोटली, ये 100% डिफ्रीजर है एंड ये फॉस्ट्री, ठीक है। तो जब कस्टमर घर में, आप बेसिकली ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो जब आप इसका इंस्टॉलेशन या डेमो करने जाएंगे तो कस्टमर को प्लेस पे देखना है कि आपको ये चीज़ को अच्छी जगह पे आपका होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली लोकेशन अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इवन वोल्टेज आर्थिंग वो सारी चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है। बहुत सारा टाइम देखा गया कि ये कस्टमर किचन में बैठा देता है, ठीक, तो उस केस में मशीन में प्रॉब्लम आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो उस जगह कस्टमर पॉइंट पे उस जगह को आप अवॉइड करें। तो फर्स्ट, जब आप इसका डेमो जब देंगे, फर्स्ट इसका पावर जैसे ऑन करेंगे, ये इसका बेसिकली डिस्प्ले है, ये इसका टेम्परेचर सेटिंग के लिए है, यहाँ पे हर टाइम इसका ओरिजिनल रियल टेम्परेचर आपको शो करेगा, जैसे अंदर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आएगा। तो अभी जो 24 दिखा रहा है, मतलब अभी जस्ट ऑन किए हैं, इसीलिए अंदर टेम्परेचर जो है 24 है। तो इसका जो टेम्परेचर सेट है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, ये -14 से लेके -26 तक जाएगा। -14 मतलब मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मिनिमम कूलिंग, और -26 जो है वो मैक्सिमम कूलिंग। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि ये हमको बेसिकली फ्रीजर, मतलब फूड प्रिजर्वेशन, आइसक्रीम प्रिजर्वेशन के लिए ही रखना है, ठीक है। पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ आप अवॉइड करें, कस्टमर को मत बोलिए कि ये चीज़ ये रखने नहीं रखना है। उसके बाद आप फंक्शन में आए, तो यहाँ पे जो फंक्शन में जाएँ, यहाँ पे चार फंक्शन है, ये हैगा आपका इकोनॉमिक, ये आपका सुपर फ्रीजर, ये आपका अलार्म, और ये आपका लॉक। तो फर्स्ट, कोई भी फंक्शन सेट करने के लिए फर्स्ट आपको फंक्शन को दबाना पड़ेगा, ये अगर इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक ग्लो हो रहा है तो उस टाइम अगर आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे तो इकोनॉमिक आपका ऑन हो जाएगा। इकोनॉमिक क्या है कि अगर आपका सेट टेम्परेचर -14 से लेके -19 के बीच में है, तो अगर आप इकोनॉमिक में डालेंगे तो इसका सेट टेम्परेचर बाई डिफॉल्ट -18 हो जाएगा। अगर इसका सेट टेम्परेचर कस्टमर ने -23 से -26 के बीच में रखा है, तो उस केस में आप अगर इकोनॉमिक मोड में डालते हैं तो फर्स्ट ये क्या होगा, आपका टेम्परेचर 56 आवर्स तक चलेगा उसका टेम्परेचर, उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट -22 चला जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बेसिकली पावर सेविंग के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक को दोबारा ऑफ करना है, तो जैसे इकोनॉमिक लाइट ब्लिंक होगा उस केस में आपको पावर ओके बटन को दबा देना। उसके बाद आता है सुपर फ्रीजर। सुपर फ्रीजर मतलब इसके, इसमें आपका जो कंप्रेसर है ये कंटिन्यू रन करेगा, कंटिन्यू आपका 56 आवर्स तक वो चलेगा, ठीक है। तो जब कस्टमर को नया फूड आइटम रख रहा है सिस्टम में, उस केस में कस्टमर को बोलिए आप सुपर फ्रीजर यूज़ कर सकते हैं, या जब कस्टमर को मैक्सिमम कूलिंग का जरूरत है, जब कस्टमर नया फूड आइटम रखेगा उस केस में कस्टमर को बोलिए 25 to 30 आवर्स पहले फ्रीजर को ऑन कर दें सुपर फ्रीजर में, उसके बाद सामान रख के और 56 आवर बाद ऑटोमेटिक वो सुपर फ्रीजर से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या कस्टमर मैनुअली भी उससे सुपर फ्रीजर से हटा सकते हैं ऐसे। उसके बाद आता है आपका ये लॉक बटन, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्ले आपका लॉक हो जाएगा, कोई भी बटन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये है आपका अलार्म, तो अलार्म अगर किसी रीजन से हो रहा है, ठीक है, तो जब अलार्म आ जाएगा सिस्टम में, अलार्म को हटाने के लिए आपको यहाँ से जैसे अलार्म ब्लिंक होगा उस टाइम ओके बटन दबा के अलार्म को हटाना है। तो अलार्म क्यों आएगा, फर्स्ट है कि आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटा चलने के बाद भी अगर मेरा मशीन में टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं आए तो उस केस में आपका अलार्म लाइट जल जाएगा, ठीक है। या मशीन में आपका डबल एच, यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ पे डबल एच एरर आ जाएगा, दैट मीन्स मशीन कूलिंग कर नहीं पा रहा है, उस केस में अलार्म अगर नहीं चाह रहा है तो जैसे अलार्म ब्लिंक होगा तो आपको अलार्म हटा सकते। ये हो गया आपका बेसिक फंक्शंस डिस्प्ले में।
ठीक है, जब आप इको मोड में डालेंगे या सुपर फ्रीजर मोड में डालेंगे तब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जैसे -18 से ऊपर वो नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इकोनॉमिक मोड में डाल दिया। अगर हम सुपर फ्रीजर में डालते हैं तो उस केस में भी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कस्टमर को बताना है। दूसरा चीज़, मशीन में मान लीजिए कुछ एरर है तो उस केस में एरर आपका डायरेक्टली डिस्प्ले पे आ जाएगा, जैसे E1 आ गया मतलब वो फैन का एरर है, ठीक है, या F4 फ्रीजर सेंसर का, जैसे हमारा फ्रीज का एरर होता है सेम उसी हिसाब से इसमें एरर है, और एरर होगा तो मशीन का डिस्प्ले में ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा। दूसरा और एक चीज़ है, इसमें टेस्ट मोड या आप टेस्ट मोड कैसे जाएंगे, टेस्ट मोड के लिए इसमें दो टेस्ट मोड दिया हुआ है, एक है टेस्ट 1 जो कूलिंग साइकिल के लिए है और दूसरा है क्या आपका टेस्ट 2 जो डिफर साइकिल चेक करने के लिए। अगर मेरे को टेस्ट 1 में जाना है तो उस केस में मेरे को टेम्परेचर फंक्शन एंड जो ओके बटन है तीनों को एक साथ दबा के रखना पड़ेगा, तो T1 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे को अगर कंप्रेसर चेक करना है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं, PCB चेक करना है, मेरे को फैन मोटर चेक करना है, उस केस में मेरे को T1 दे के चेक करना है। अगर मैं जो हमारा फ्रिज में क्या होता है कि T1 जाने के बाद हम लोग T2 में जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको T2 में अलग प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर स्विच को ऑफ कर देंगे पावर से, दोबारा ऑन करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिक आपका मैनुअल मोड में आ जाए, नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अभी आपको डिफर्स्ट साइकिल चेक करना है तो उस केस में आपको ओनली फंक्शन एंड जो ओके बटन है दोनों को एक साथ दबा प्रेस करना पड़ेगा, तो मशीन आपका T2 मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम मेरा डिफर्स्ट साइकिल चेक कर सकते हैं, मेरा हीटर काम कर रहा है कि नहीं, मेरा PCB हीटर को सप्लाई दे रहा है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं।